मेरा नाम सैयद असगर जैदी है, मैं वाइस चांसलर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का। और बहुत अरसे के बाद सीक्रेट्स ऑफ लाहौर के एक नए एपिसोड के साथ आज मैं आई हूँ GCU लाहौर। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री में क्या क्या है। ये कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट 1856 में सैंक्शन हुई विद द कंडीशन कि जो भी प्रोफेसर्स और टीचर्स होंगे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, डबलिन या दरम के होंगे। 1864 में यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ, जिसमें पहले इसका क़याम एक हवेली में अंदरून शहर में दयाल सिंह हवेली में हुआ, और तकरीबन 10 साल के बाद ये जिस जगह पर अब गवर्नमेंट कॉलेज मौजूद है इस जगह पर कैंपस शिफ्ट हो गया। और इसके पहले वाइस चांसलर, इसके पहले प्रिंसिपल विलियम लाइटनर बने, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन से आए थे, और उन्होंने ही ये आर्किटेक्चर बनाया था कि ये उसी तरह विक्टोरियन स्टाइल पर बना था कि जिस तरह के किंग्स कॉलेज लंदन था। ये जो यूनिवर्सिटी है ये उस वक्त कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, और उस वक्त इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन पे 3,20,000 रुपये लगे थे। तो अब आगे देखते हैं और देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री में और क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर जी आपको जो ये इसका मेन क्वाड है, जो मेन ट्रायंगल मेन एरिया है, वहाँ पर आपको एक एम्फी थिएटर नज़र आएगा। ये वो एम्फी थिएटर है कि जिसमें जो एक यहाँ बनाया गया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और एक लॉरेंस गार्डन जिसे अब जिना बाग कहते हैं उसमें बनाया गया। और ये हमारे जो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के पार्टीशन से पहले डॉक्टर सोंदी, उन्होंने ये एम्फी थिएटर बनाया था, और लॉरेंस वाला भी उन्होंने बनाया था। वो लॉरेंस वाला भी उन्होंने बनाया, हमने वो भी कवर किया है, उसके लिए पिछला वीडियो देखिए, बाग जिना वाला। ठीक, चलिए जी अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी है GCU के बारे में कि यहाँ पे लामा इकबाल का हॉस्टल है और उनका कमरा बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, आपने ये सच है? जी बिल्कुल, अब इसका नाम भी हमने इकबाल हॉस्टल रखा हुआ है। ओरिजिनली इसका नाम दी क्वाड्रेंगल होता था, जो 1891 में कायम हुआ, और अलामा इकबाल जो हैं यहाँ पर 1895 से 1899 तक रहे। अस्सलाम वालेकुम। आइए अलामा इकबाल का हॉस्टल का कमरा देखते हैं। वो 4 साल इस हॉस्टल में मुकीम रहे, और अभी तक हमने वो कमरा प्रिजर्व किया हुआ है उसी तरह के जिसमें वो यहाँ पर मुकीम रहे, और बहुत सी यादें हमने वहाँ इकट्ठी की हुई हैं उस कमरे में, और अभी आपको उस कमरे में ले चलते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर अल्लामा इकबाल मुकीम रहे जब वो यहाँ स्टूडेंट होते थे। अब इस कमरे में ये जो दो चीज़ें हैं ये उसी वक्त की हैं, अभी तक प्रिजर्व हुआ है, कि ये उनका बुक शेल्फ और ये उनका। सोचें अल्लामा इकबाल यहाँ पे बैठ के पढ़ते होंगे और मेहनत करते होंगे और उर्दू और फारसी गज़लें और नज़में लिखते होंगे। इसमें एक खसूसी जो ये वो तहरीर है कि जब उन्होंने अपने बेटे जावेद इकबाल को लंदन से तहरीर लिखी थी, तो ये उसका अक्स हमारे पास ये मौजूद है, और ये बहुत मशहूर उनकी नज़्म है, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, और फिर इसी तरह चलते हुए आखिरी जो है वो बहुत कमाल का है कि जो अपने बच्चे को वो नसीहत कर रहे हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये उनकी नसीहत थी। ये उनके एक दोस्त होते थे जिन्होंने बाद में एक किताब लिखी, और वो इस बात का ज़िक्र करते हैं कि जब वो यहाँ होते थे इकबाल,
तो वो किस तरीके से इस कमरे में अपना वक्त गुजारते थे। तो वही कहते हैं कि जो जवान उनके दोस्त थे सब उन्हीं के कमरे में उनके पास जाकर बैठते थे, वो वहीं मीरे फर्श बने बैठे रहते थे। हुक्का जबी से उनका हमदमो हम नफ्स था, परहनसर बनियान दरबर टखनों तक का तैबंद बांधे हुए, और अगर सर्दी का मौसम है तो कंबल ओढ़े हुए बैठे रहते थे। हर किस्म की गप उड़ाते थे, तबीयत में ज़राफ़त बहुत थी, फपती ज़बरदस्त कहते थे, अदबी मुबाहसे भी होते थे, शेर भी कहे जाते थे और पढ़े जाते थे। तो इसका मतलब है इलामा इकबाल बहुत फ्रेंडली थे अपने टाइम में। ठीक है जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से वीसी साहब के घर गए, उनकी एक छोटी सी मीटिंग थी, वो वापस आएंगे। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है मज़े का। यहाँ पे मुझे सबसे मज़े की बात ये लगी, यहाँ के ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि यहाँ पे जो एक बार हॉस्टल का जो दरवाज़ा है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है वो, और वो उतना ही पुराना है जितना पुराना ये हॉस्टल है। तो देखते हैं, ये है वो दरवाज़ा। और वो बता रहे थे कि ये छोटा दरवाज़ा वो रात में यूज़ करते हैं, ये बंद हो जाता है। अगर बिल्डिंग को देखें तो ज़्यादातर इधर रेड ब्रिक्स यूज़ हुए हैं, और पता चलता है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और ख़ूबसूरत भी है। लॉयर्स जो हैं वो GCU के थे, जिनमें से एक थे हरबिंद खुराना और एक थे डॉक्टर अब्दुलसलाम। एंड VC साहब इज़ बैक, तो उनसे पूछते हैं कि इस वक्त मैं अब्दुलसलाम हॉल में जो हूँ उसके बारे में वो क्या जानते हैं। अब आप बताइए इस हॉल के बारे में। देखिए जी, ये हॉल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उस तर्स पे बनाया गया जो कि किंग्स कॉलेज में इस तरह का हॉल एक मौजूद था, जो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल थे विलियम लाइटनर, क्योंकि वो किंग्स कॉलेज से आए थे तो उन्होंने उसी तर्ज पे बनाया। और हमने कोशिश की है कि इसको बिल्कुल तब्दील ना किया जाए, इसको उसी तरह रखा जाए जिसका ओरिजिनल स्टाइल था। ये वही विक्टोरियन स्टाइल में आर्क्स हैं जो कि पूरी बिल्डिंग का वही स्टाइल है। लेकिन ये पहले हम इसे ओल्ड हॉल कहते थे, लेकिन जब डॉक्टर अब्दुलसलाम को नोबेल प्राइज़ मिला तो उसके बाद हमने उनको ऑनर देने के लिए इसका नाम सलाम हॉल रखा। अब ये सलाम हॉल के नाम से जाना जाता है। और ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा सा बना हुआ है ये। ये कितना पुराना है, 1924? ये उसी वक्त जब ओरिजिनल ये 1864 में तामीर शुरू हुई, 4-5 साल लगे, तो उसमें ही ये उस वक्त ही तामीर हुआ था जो मेन बिल्डिंग के साथ हुआ था। ओके। इस हॉल की एक और बड़ी खासियत है कि इसमें वो तमाम तस्वीरें नज़र आएंगी उन रावियंस की जो किसी स्टेज पर चैम्पियन बने। जैसे इस कॉर्नर में आपको जो क्रिकेट टीम्स हैं जो चैम्पियन बनी, उनके ग्रुप फ़ोटो जो कि अब से तकरीबन 60-70-80 साल पुरानी तस्वीरें जो हैं वो आपको वहाँ नज़र आएँगी। नाइस। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसको अब तकरीबन 158 साल हो चुके हैं, 158 ईयर्स हो चुके हैं, इसमें 2002 तक जो है इसको कॉलेज का स्टेटस था, और 2002 के बाद जो है इसको यूनिवर्सिटी स्टेटस बना दिया गया। उस वक्त जब यूनिवर्सिटी स्टेटस बना तो उस वक्त तकरीबन हमारे पास 5,000 से 6,000 स्टूडेंट्स होते थे, इस वक्त हमारे पास 14,000 स्टूडेंट्स हैं। और इस वक्त हम ना सिर्फ जो हमारा बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 10-12,000 बच्चे होते हैं, वो है BA BS ऑनर्स का, जो 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम है। उसके अलावा हम इंटरमीडिएट की भी क्लासेस हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास MPhil की क्लासेस भी हैं, PhD की क्लासेस भी हैं, और पिछले साल तक हम MA MSc की क्लासेस भी यहाँ पर कराते थे।
अब हम चलते हैं वीसी ऑफिस, आपके ऑफिस चलें। जी बिल्कुल जी, आ जाइए। हमारे राइट साइड पे जो है वो ओवल ग्राउंड है। ओवल ग्राउंड बहुत पॉपुलर है। जी बिल्कुल, बड़ा पॉपुलर है। अब कुछ अरसे पहले ही हमने उसका नाम लाइटनर ओवल ग्राउंड रखा है, विलम लाइटनर के याद में। ये जो पहले जिसे प्रिंसिपल्स ऑफिस कहते थे, अब ये वाइस चांसलर्स ऑफिस है। ऑफ कोर्स हमारे पास कायद आज़म की तस्वीर है, उनके साथ हमने जो इस इदारे के सबसे मशहूर अलुमनस हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनकी तस्वीर है। और इस साल ही हमने एक नया लॉ स्कूल कायम किया है जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से हमने शुरू किया है। और यहाँ पे और प्रिंसिपल्स की भी पिक्चर्स लगी हैं। वो तमाम प्रिंसिपल्स जो हैं यहाँ से अगर आप देखें तो ये पहले हमारे प्रिंसिपल्स थे जिनके हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, विलम लाइटनर, जी डब्ल्यू लाइटनर को भी कहते हैं। डॉक्टर लाइटनर के बाद ये सारे ब्रिटिश हैं। इनमें जो पहले नॉन ब्रिटिश थे वो डॉक्टर सोंदी थे जो कि हिंदू थे, और वो पार्टीशन के वक्त वो भी जो है इंडिया चले गए थे। लेकिन उसके बाद जब पार्टीशन के वक्त जो पहले प्रिंसिपल बने वो अहमद शाह बुखारी साहब बने, जिनको पतरस बुखारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी भी इज्जत हमारे दिलों में ऐसे ही है जैसे कि लाइटनर की है, कि उन्होंने पार्टीशन के वक्त जब बहुत से अंग्रेज़ छोड़कर चले गए थे तो इन्होंने दोबारा से रीबिल्ड किया गवर्नमेंट कॉलेज को। आपको कैसा लगता है, हाउ इज इट लाइक टू बी द वीसी? इट्स, हाँ जी, ये तो बड़ा मुश्किल है लफ्ज़ों में बयान करना। मैंने देख भी लिया है कि ऐसा हर लम्हा जो है इतना एजाज़ वाला है, इतना ज़िम्मेदारी वाला है कि मैं सारे दिन इस काम में मसरूफ़ रहता हूँ फिर भी मुझे थकन नहीं होती। मैं अगले दिन का इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि दोबारा से किस वक्त। बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करता हूँ, खसूसन जो वक्त मेरा स्टूडेंट्स के साथ गुजरता है उसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ट्रू वैल्यू मेरे काम की तभी निकलेगी जब मैं स्टूडेंट्स के एजुकेशन एक्सपीरियंस को और बेहतर करूँ। आई थिंक वो ये तभी होता है जब आपके पास पैशन हो और आप अपना काम को इंजॉय करें। ये थी आज की सीक्रेट्स ऑफ लॉर्गी एपिसोड। आपसे मिलेंगे हम अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।